और भाई यह है इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सीधे अमृतसर। और अभी हालत भी एकदम से रैंडमली प्लान बना कि भाई बैठे हुए थे दिन भर से धूप में, और फिर हमारा प्लान बना कि सीधा अमृतसर चलते हैं। तो हमने एकदम से प्लान बनाया, सब लोग रेडी हुए, गाड़ी करी और भाई रेडी हो गए, सब निकल रहे हैं अगले 5 मिनट में। तो भाई टूर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और सीधा दिखाते हैं आप लोगों को आगे। यह हमारे विक्रम भाई, आंटी जी हमारी रेडी करती है हमें कि आराम से जाना, ऐसे जाना। पिंकू मौजूद, और अभी चुन्नू बजरंगी आएंगे बाहर। मोती और सुधांशु अभी बाहर है तो वो बस आने वाले हैं, किसी का केक कट करना है तो केक मंगवाया हुआ है। तो विक्रम भाई कितने एक्साइटेड हो? बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट है भाई। बाल भी नहीं बना रखे, कुछ भी नहीं बना रखा, मैं ऐसे ही उठ के सीधा की बहुत डाउन टू अर्थ है हम लोग, बहुत डाउन टू अर्थ, इसलिए अच्छे गुच्छे में निकल गए शॉर्ट्स वॉर्ट्स में। तो भाई कोई ऐसा प्लान नहीं था, एकदम से ही मूड बना कि भाई चलो, बारिश रुकी चलो। कार हमारी आगे खड़ी भी, मेरी पहले हमें मेरी फॉर्चूनर से जा रहे थे, फिर मना कर दिया कि नहीं यार फॉर्चूनर से नहीं जाते, फिर डस्टर हमने डस्टर उठा ली। और ये देखो हमारे केक को ले गए और सारा सिस्टम पाड़ देंगे। और हम कितने डाउन टू अर्थ थे, हम कपड़े भी हाथों में लेके चलते, हमारे पास बैग नहीं होते। आंटी जी हमें गाइड करती हुई ऐसे ऐसे जाना और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और भाई हमारा गैंगलैंड निकल चुका है देहरादून से पंजाब की ओर। तो भाई आंटी से आशीर्वाद कौन लेगा भाई? और ये देखिए यहाँ पर पिंगुल लेगा। और अब मेरी बारी, और हम जा रहे हैं हमारी डस्टर खड़ी हुई भाई, अभी थोड़ी देर चलाएगा चुन्नू बजरंगी, उसके बाद जाएगा उसके बाद और ये हम गाड़ी में रख रहे हैं भाई सामान सारा। हमको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, कहीं दूर जा रहे हैं, हमारे कुछ गलत काम नहीं रहते इसलिए हमें लोग गांव के लोग छोड़ने नहीं आए। ओ मोदी के दोस्त, ओहो दो भाई। सारे भाई लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब हम निकल रहे हैं। हम चुन्नू बजरंगी अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, आगे से मैं करूंगा। तो बंगे मैया की जय, और वो भी बोल दो यार, वो क्या है, वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सोनी हां सस्त्री अकाल। भाई ये जा रही है मेरी दोस्त अर्चू, क्या हाल है, पहचाना नहीं उसने। और ये व्हाइट वाले शर्ट वाले भाई जी, इनका बर्थडे था, हम सेलिब्रेट करके बस तुरंत ही निकल रहे हैं, ज्यादा रुक नहीं रहे भाई। और भाई अंकल जी बीच रोड पे गाड़ी लगा के चले गए, स्वैग है, स्वैग है, कहते हम डीएल रोड वाले। ये लो जी जाम देख लो, लो जी इन्हें भी देख लो, ओह एक और आई पापा की परी। तो जी अभी हम पॉल्यूशन हमारा खत्म हो रखा था तो हमने पॉल्यूशन करवा लिया, और अब हम चल दिए, और अब हमने सेक्सी डेस्क की टांगे भी रख ली है। और भैया जी अब हमारी गाड़ी बल्लूपुर चौक से निकल चुकी है, पेट्रोल हमारी गाड़ी में बहुत रहता है, पैसा बहुत है, पेट्रोल तो डलाएंगे, पेट्रोल डला लेंगे, आते हुए डला लेंगे। सारे लोग लाइव आ रहे हैं, पिंकू मिसिंग अनुष्का शर्मा एंड मोती मिसिंग तानिया रावत, सुधांशु मिसिंग डीएवी पीजी कॉलेज, पूजा सीमा कोमल ममता नीलम और आई एम मिसिंग माई चाइनीज क्रिकेट उत्तराखंड। तो जी सीन कुछ ऐसा है कि सब अपनी गर्लफ्रेंडों के नाम बता रहे हैं, मैं तो बिल्कुल सिंगल हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए हम आए हैं यहाँ, क्या ये हील हील स्पून फास्ट फूड, ओहो एक दीदी जी भी है चुन्नू भाई की। और वो जी बंदे उतरे हुए हमारे खाने खाने के लिए, मतलब फास्ट फूड खाने के लिए। तो भाई वही घटोत्कच क्या खा रहा है भाई,
बहुत लेट हो गए थे भाई हम FRI में, हमने उसके आगे फास्ट फूड खाया, फिर खाया हमने वहाँ पे और मोमोज खाए, स्प्रिंग रोल खाए, चाउमीन, बर्गर और बैरोनाथ वाले सूप, और बैरोनाथ वाले पे हमने बादाम शेक की आइसक्रीम भी खाई। और भाई उसके बाद फिर हम निकले और अभी कितने बजे, 9:30 बैरोनाथ वाले आइसक्रीम खाई। हाँ, लोगों का बेवकूफ क्यों बना रहे थे। और भाई फिर हमने खाई, उसके बाद निकले हम वहाँ से 9:30 बजे, तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, कम से कम 3-4-5 बजे तक पहुँचेंगे। और आगे जाके हम क्या पियेंगे भाई, ठंड पाओ पियोगे तो बार बार मांगोगे। ये देख लो जी, हम आसन बैराज पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फॉग हो रहा था अभी तक बहुत ज्यादा भाई। यह है जी गुरुद्वारा पौंटा साहिब का, पौंटा साहिब पहुंच चुके हैं हम भाई। अभी हम पहुंचे हैं सारे भाई पौंटा। हम यहाँ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमारे साथ एक बंदा और है ना, ये विक्रम बत्रा, उनके साथ वीर जी, हमारे भैया का नाम क्या है, मनिंदर संधु, मनिंदर संधु भाई। तो इनसे मिले हैं, 4 साल बाद मिल रहे हैं भाई दोनों, तो हम भी मिल लिए इनसे, तो बड़ा अच्छा लगा भाई से मिल के, एक सब्सक्राइबर और मिल गया हमें। और भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, कितने बज रहे अभी, 10 बज गए होंगे जी भाई साहब, बोलना चाहेंगे कुछ भाई। बड़े परेशान हैं, अपनी बंदी से बात नहीं कर पा रहे ना भैया जी, तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, थोड़े दूर चले जाते हैं ना उनसे। तो भाई वो तेरी तानिया भाभी जल्दी में है क्या, तानिया भाभी है ना हमारी, वो उनसे मिलने। ये देखो जी लाल लाल, ये भी दोनों एक तरीके से पति पत्नी है ना, तो मियां बीवी है इनका, बच्चे देखो पीछे रेड टी शर्ट में जो छुप रहा है, इनका बेबी है इनका ना, इनका बेबी है ये, तो छुप रहा। पेट्रोल पंप पे अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो भाई पौंटा होते हुए जो भी पंजाब हरियाणा होते हुए अमृतसर जा रहा हो, वो पौंटा में ही मतलब डीजल भी पेट्रोल भी वहीं डलवा लें, वहाँ पे सबसे सस्ता है, मतलब वहाँ 82-83 है, और अभी हम जहाँ से डलवा रहे हैं वहाँ 90 रुपये लीटर डीजल है। तो भाई हम भी अभी तो हम 500 रुपये का डलवा रहे हैं यहाँ से, आगे से डलवाएंगे क्योंकि फ़ायदा नहीं यहाँ से डलवा के। और ये रूट भी बहुत बेकार है यार, तो इधर से अगर कोई देहरादून से आ रहा है तो इधर से आना बेकार है, इससे अच्छा बेस्ट रूट है कि आप लोग ये सहारनपुर होते हुए आओ सरसावा होते हुए, बहुत बढ़िया रूट है, मैं आ चुका हूँ उस रूट से, बहुत सेक्सी रूट है। तो भाई मतलब अभी यहाँ बोरिंग रास्ता है तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा, गड्ढे पड्ढे बहुत है ना, गाड़ी सही से चलाई जा रही। और भाई हम 5 बजे के आसपास पहुँचेंगे अमृतसर, और मैं अभी हमने किसी से पता किया था, मतलब मेरे कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम 5 बजे लाइन में लगोगे तो 8 बजे नंबर आएगा, 8 बजे तुम दर्शन कर पाओगे गोल्डन टेम्पल में, उसके बाद हम कहीं रूम वगैरह लेंगे, स्टे करेंगे, सोएंगे, और फिर शाम को मतलब 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे हम बाघा बॉर्डर के लिए निकल जाएंगे। तो भाई वो मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, व्लॉग को, व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा, बहुत सही, वहाँ पे बाघा बॉर्डर में हिंदुस्तान पाकिस्तान आग लगा देंगे, बैंग ठोक देंगे साला। पानी ब्लॉगर चुन्नू भाई बोलो कुछ, बाघा बॉर्डर पे क्या करने वाले हम स्पेशल, आग लगा देंगे वहीं, सिस्टम पाड़ देंगे। लो जी भाई जी एक और सीन देख लो, जाम लग चुका है, और ये देखिए हमारे ऋषभ जी बात करने गए हैं, जैसे डीएल रोड होगी और इनकी यहाँ लोग सुन लेंगे, ऋषभ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जरा आवाज लगा भाई, बंदा रैपिड मारने जा रहा है इनका, बंदा यहाँ फॉर्म में जा रहा है, बहुत लंबा सीन हो गया भाई, और हमारी गाड़ी भाई एकदम एसी चल रहा है, और ये भड़का 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 भी उतर चुके हैं, भड़का भड़का पिंगुआ, ये भड़का भड़का का है रे भाई, गलती मत करना इधर से आगे यार, और रात को बिल्कुल नहीं आना भाई, पौंटा क्रॉस करते जैसे तुम यमुनानगर वाले रूट पे जाओगे 20 से 25 किलोमीटर का बहुत ही सुनसान रास्ता है, और उसमें ये बोलते हैं कि भाई बिल्कुल भी रात को ट्रैवल ना करें क्योंकि लूटपाट होती है। और भाई हमें तो घर से इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि भाई मत जाना इस रूट से, पर हम तो चले गए थे, तो हम चले गए फिर, क्योंकि हमारे साथ तो घटोत्कच था ना भैया पीछे, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई पर उस रूट से मत आना रात को, लूटपाट भी होती है, और अगर कोई लिफ्ट विफ्ट मांगे तो भाई वो बिल्कुल गाड़ी मत रोकना। दुनिया सो रही है, हम जाग रहे हैं, 2 बज चुके हैं भाई, और अभी है हम मतलब पंजाब में है, तो हम एक ढाबे पे आए हैं खाना खाने, मेरा परांठे विद बटर चाय और ये दाल पता नहीं क्यों डाल दी है, और ये सब लोग खा रहे हैं खाना, पिंकू सेठ, चुन्नू बजरंगी, और ये हमारे विक्रम बत्रा, और ये हमारे सुधांशु जी, और ये जी हमारे प्यारे से गजुदगज खाना खाते हुए सारे। शुक्रदाता तेरा, शुक्रदाता।
ये पार्किंग एरिया है, वाह क्या व्यू है भाई। इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं और भाई इसके बाद गाड़ी जाएगी तो इधर आगे दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, ये की पार्किंग है और ये टॉप फ्लोर है और ये है भाई गुरुद्वारे का एक साइड और उस साइड गुरुद्वारा है। और अब हम लोग जा रहे हैं, हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है तो पार्किंग चार्जेस भी कोई ज्यादा नहीं है, 35 रुपए है। और भाई ये है एंट्रेंस, बहुत ही प्यारा व्यू है ये। और ये है भाई हमारा गैंगलैंड और पिंकू सेट विद बैग लेके जा सकते हैं। और मैंने सुना है शायद यहाँ शॉर्ट्स में ना अंदर जाने नहीं देते, तो भाई हम शायद अंदर जाके चेंज करेंगे, तो भाई आप लोग हो सकता है तो पहले ही चेंज करके लाएं। और भाई लोग गुड मॉर्निंग, और हम चल चुके हैं मंदिर की गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो फिर भाई सीन ऐसा है कि बाहर ना थोड़ा यहाँ से पैदल भी है, और भाई तो बाहर वो ई रिक्शा खड़े रहते हैं कि भाई हमारे साथ बैठ लो। बट जो वाइब है ना, मतलब यहाँ पहुँचने वाले होंगे ना 100 मीटर पीछे तो अलग ही वाइब आती है। और ये सामने जो दिख रहा है आपको ईंट वाला एरिया, ये है जलियांवाला बाग का। और भाई अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम, पहले जाएंगे हम गोल्डन टेम्पल। ये देख सकते हो आप व्यू, और इस साइड ये दिख रहा, सामने आपको दिख रहा होगा जो वाइट वाइट चमक रहा है, अभी वहाँ पास में जाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और भाई हमने पहले जलियांवाला बाग वाले एरिया में ही जाने का डिसाइड किया है, तो हम ये दिखाते हैं आपको। और भाई ये सैनिक वगैरह हैं सारे, भाई लोग भी हैं यहाँ पे, सब लोग आए हुए हैं। और ये एंट्रेंस एरिया है यहाँ का। और अभी भाई बहुत ही, मतलब जो किताबों में सुना था पढ़ा था, आज वो देखने वाले हैं पहली बार, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और भाई शायद ना अभी व्यू प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, और हम भाई थक भी बहुत रखे हैं क्योंकि 425 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, और अभी हालत भी, अभी मुंह भी नहीं धुला है, कुछ फ्रेश भी नहीं हुए, और आज ऊपर से मौसम ख़राब है, थोड़ा बारिश वाला रेनी डे है, तो भाई शक्ल भी ऐसी आ रही होगी और व्यू भी ऐसी आ रहा थोड़ा। और भाई ये है कुआं, बंद है चारों तरफ से, और जब इस एरिया से चारों तरफ से गोलियां चल रही थी तो भाई सारे लोग, लेडीज जेंट्स बच्चे सब इसमें कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो मैं आपको इसे क्लोजअप करके दिखाता हूँ। और भाई ये है वो कुआं, एंड दिस इज़ द मेन व्यू जहाँ पर गोलियाँ चली थी, उसकी गोलियों के निशान भी है दीवारों पे। तो भाई पास से दिखाते हैं जो वाइट करके उसके अंदर बने हुए हैं, तो भाई देख सकते हो गोली जब लगती है तो किस तरीके से लगती है। इनके बीच में देखिए निशान लगे हुए हैं सारे, इतनी सारी गोलियाँ दीवारों पे चली थी ऊपर तक। भाई ये अंकल बता रहे हैं कि ये बाहर जाने के रास्ते थे तो इन पे टैंक लगा रखे थे, इसी पे जनरल डायर ने टैंक लगवा दिया, जनरल डायर ने इसी पे टैंक लगाए थे, तो कोई भी बाहर नहीं जा सका, इसी वजह से सब लोग उस तरफ भागे और कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। भाई ये है दूसरा एरिया जहाँ पे गोलियां चली थी दीवारों पे भी हर तरीके से। और भाई बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, और अब थोड़ा शूट करने में दिक्कत हो जाएगी, तो भाई अभी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहीं से आउटिंग है। टेम्पल का अंदर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही, मतलब बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, हम पूरे भीग चुके हैं, और मैं साइड में आगे अभी शूट कर रहा हूँ पर भाई बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा रुकने का, बहुत ही प्यारा। और मैं आगे से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा कम दिखा पाऊँगा शायद बारिश हो रही है। अभी हमने कपड़ा डाल दिया सिर पे जो कि कंपलसरी होता है गुरुद्वारे में, और पीछे जो अब दिखने वाला है वो बहुत ही प्यारा व्यू है, तो मैं आप लोगों को सीधा वही दिखाता हूँ। गोल्डन टेंपल का सबसे प्यारा व्यू है भाई, मैं उसकी तरफ आप सबको लेके जा रहा हूँ। यह है भाई सामने गोल्डन टेंपल, और भाई यह है पीछे का एरिया जहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं, जैसा आप लोगों ने हरिद्वार में भी देखा होगा। सारे भाई लोग नहा धो के ऑल सेट, और अब हम जा रहे हैं दरबार में सीधा दर्शन करने, और उसके लिए लगना पड़ेगा हमें बहुत लंबी लाइन में, बैग भी साथ में क्योंकि बैग में कपड़े वगैरह है हमारे, क्योंकि हम नहाए थे तो भाई वो लगनी पाए। भाई हमें लाइन में लगे हुए 1.5 घंटा हो चुका है और अभी हम आधा भी नहीं पहुंचे, तो बहुत अच्छा, मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा है कि देखो कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग
दर्शन करके आ चुके हैं और हम 7:30 बजे गए थे। कितने बजे आए हम? 10:30-11 बजे हम दर्शन करके बाहर आए। अब हम जा रहे हैं लंगर खाने। आफ्टरनून गाइस, तो दिन के बज रहे हैं अभी 2:30 और हम गोल्डन टेंपल से जा रहे हैं सीधा वाघा बॉर्डर। गाइस, वाघा बॉर्डर का पूरा पार्ट मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।